देखिए, जनपद में हमारे 10 अगस्त से 2 कार्यक्रम एक साथ शुरू हो रहे हैं। एक राष्ट्रीय डिवर्मिंग डे 10 अगस्त को, और उसके बाद उसका मौका ब्रांड 14 अगस्त को। दूसरा कार्यक्रम है आईडीए का, जो फाइलेरिया रोधी अभियान है, वो भी 10 तारीख से शुरू हो रहा है और 2 सितंबर तक चलेगा, जिसमें हमारी टीमें घर घर पहुँच कर फाइलेरिया की दवा खिलाएंगे। आयु और वजन के अनुसार सबको दवा खिलाएंगे। सर, फाइलेरिया के लक्षण के बारे में कुछ बता दें कि कैसे फाइलेरिया जो है जानकारी होती है। देखिए, फाइलेरिया मच्छर के काटने से होता है, और मच्छर आज काटता है तो इसके लक्षण 15 साल बाद भी प्रकट हो सकते हैं। तुरंत कोई लक्षण ज़्यादातर नहीं होता है, इसलिए ये जो कार्यक्रम चल रहा है फाइलेरिया दवा खिलाने का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता है कि उसके अंदर फाइलेरिया के कीटाणु पहुंच चुके हैं। और जब फाइलेरिया हो जाता है तो इसका लक्षण कई अंगों को प्रभावित कर सकता है। हाथ पैर का सूजन आप लोगों ने देखा होगा, हाथी पांव आप लोगों ने देखा होगा, हाइड्रोसिल आप लोगों ने महसूस किया होगा, देखा होगा, स्तन का सूजन उसमें बहुत बड़ा सा उस तरीके से हो जाता है, और कभी कभी पेशाब के उसमें सफ़ेद दूध जैसा पेशाब हो जाता है, उसको काइलेरिया कहते हैं। वो भी फाइलेरिया का ही रोग है, वो भी फाइलेरिया की। सर, क्या रोकथाम के लिए भी कोई टीमें बनाई गई हैं जो गांव में छिड़काव या इस तरह से, जैसे मच्छर का आपने जिक्र किया है, तो इस तरह की कोई टीमें भी बनाई गई हैं जो पहले इस रोकथाम के लिए वहाँ छिड़काव करें या इस तरह की सारी चीज़ें? देखिए, मच्छरों के लिए या इस तरीके की संचारी रोगों के लिए तो हमारे यहाँ पूरा अभियान साल में हर 3 महीने पर चलता है, 4 महीने पर चलता है, और अभी 31 को ये संचारी रोग अभियान पूरा हुआ है, जिसमें मच्छरों पर नियंत्रण करने के लिए तमाम तरीके के सारे विभागों का योगदान रहा है। जैसे झाड़ी की कटाई हो, नाले की सफाई हो, दवा का छिड़काव हो, फॉगिंग हो, मरीजों का चिन्हीकरण हो, सारे कार्यक्रम 1 महीने के अंदर किए। किन किन विभागों को और सम्मिलित किया गया है इसमें जो आपके सहयोग में रहेंगे, जैसे स्कूल हो गया या और भी अन्य जगहों पर, तो किन विभागों को और भी आपसे अटैच किया गया है? इसमें तो हम जन सहयोग से काफ़ी कुछ काम हमको करना पड़ रहा है। हम वॉलंटियर्स भी लिए हैं, उनको ट्रेनिंग दे के दवा खिलवाने का काम उनसे भी करा रहे हैं। जैसे हमारे क्या नाम है, ये कौन सा कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज, हमारे यहाँ NMTC है, आंगनबाड़ी हैं, आशा हैं, इन लोगों को मिला के कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक जन सहयोग की बात है तो सारे विभागों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, स्कूलों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने कार्यक्रम को बताने के लिए। आप लोगों को भी इसीलिए इन्वॉल्व किया जा रहा है कि आप भी इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। कभी क्योंकि कभी कभी होता है कि गोली खिलाने पर कहीं छोटी मोटी थोड़ा मिचली आ गई, थोड़ा सा कहीं चुनचुनाहट हो गई, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ों को जानना या लोगों तक पहुंचना ज़्यादा आवश्यक होता है कि कोई पैनिक या कोई ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दवा को खाएं। इसका फ़ायदा कई गुना महत्वपूर्ण है कि हम इन सब बाकी छोटी बातों को इग्नोर कर सकते हैं। कितना लक्ष्य होगा लगभग टारगेट? ये जनपद का 28,37,000 कुछ का टारगेट है, जिनको हमको दवा खिलाना है। 10 तारीख से ये शुरू होगा? हाँ, 10 तारीख से 2 सितंबर तक हमारा IDA का चलेगा, जो हमारे 15 ब्लॉकों में चलना है, और NDD हमको 4 ब्लॉकों में चलना है, क्योंकि दवाएं कुछ दवाएं कॉमन हैं, कुछ दवाएं उसमें भी हैं, जैसे एल्बेंडाजॉल उसमें भी चलेगा, इसमें भी चलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा ये 4 ब्लॉक में हमारा केवल NDD चलेगा, उसमें IDA नहीं चलेगा।